पतंजलि योग सूत्र भाग नंबर 10। भाग नंबर 10 पे हम पहुंच गए हैं और ये 17वां सूत्र है जिसकी आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। चित्त की वृत्तियों के बारे में हमने पढ़ा, किस तरीके से जो हमारा मन है, हमारे मन के अंदर जो वृत्तियां उठ रही हैं बार बार, किस तरीके से वो भागती हैं और उनका समाधान क्या है, इसके बारे में हमने पढ़ा। किस किस तरीके से वो भागती हैं और उनके भागने को किस किस तरीके से हम रोक सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। समाधिपाद अभी चल रहा है। समाधिपाद में महर्षि पतंजलि ने जो सर्वप्रथम जो आपको याद होगा सबसे पहले कि योग की परिभाषा दी थी कि चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना ही योग कहलाता है। इस निरोध के फल स्वरूप, यानी कि इस निरोध के होने के बाद जो फल मिलता है उसके स्वरूप आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है। अभी तक जो है, जब तक ये हैपन नहीं होगा, जब तक ये चित्त की वृद्धियों का निरोध नहीं होगा, तब तक आप और हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, हम आत्मा की बात को नहीं समझ पाएंगे। जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाएगा, तब अभी हमारा मन जो है वो जो फाइव सेंसेस से चल रहा है, अभी फाइव सेंसेस के अलावा और कोई भी बात हमें समझ नहीं आ रही है। जब फाइव सेंसेस से बाहर निकलेंगे, जब चित्त की वृत्तियों का पूर्णतया निरोध हो जाएगा, वो तब जो स्थिति होगी उसको हम कह सकते हैं योग, मोक्ष कह सकते हैं, कैवल्य कह सकते हैं, निर्वाण कह सकते हैं। तो इस सूत्र के अंदर बताया गया है कि वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, इन चारों के संबंध से युक्त चित्त वृत्ति का समाधान संप्रज्ञात योग कहलाता है या संप्रज्ञात समाधि कहलाती है। यानी कि वितर्क जो बात हुई थी, वितर्क का मतलब जो सहविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि, जिसको सहवितर्क और निर्वितर्क समाधि भी कहते हैं, जो बाहरी विचारों से संबंधित है वो, और उसके बाद हमने बात की थी सहविचार समाधि, निर्विचार समाधि, जो आंतरिक हमारे उठे हुए हमारे अपने संस्कारों से संबंधित है। तीसरी आनंद जो पैदा होता है जब अपने विचार भी रुक जाते हैं और बाहरी विचार भी रुक जाते हैं, तब एक आनंद की लेर आती है, उस आनंद को भी पार करके अस्मिता को पहुँचते हैं। अस्मिता का मतलब होता है कि मैं हूँ। इन चारों को मिला के बनती है संप्रज्ञात समाधि। जब चारों इन चारों को एक पैकेट में डाल दिया, उस पैकेट का नाम बोल दिया संप्रज्ञात समाधि। तो ये चित्त की वृत्तियों को इस तरीके से निरोध करके संप्रज्ञात समाधि का लाभ साधक को होता है। जब मन जो है, मन पे वशीकार विराग्य हो जाता है, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, अर्थात मन में वश होने पर भोगों के जो प्रति तृष्णा है, लालसा है, उस वो हट जाती हैं। और जब वो भोगों के प्रति लालसा हट जाती है, किसी भी प्रकार के भोग, वो जो बाहरी हों चाहे आंतरिक हमारे अंदर दबे हों, उनके अंदर अगर लालसा दब जाती है, तो इस प्रकार की इस तरीके से जो समाधि पैदा होती है उसको संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। इस समाधि में चित्त की वृत्तियां जो भाग रही थी बाहर की ओर, उसका समाधान हो जाता है। लेकिन अभी भी जो चित्त की वृत्तियां बाहर तो भागने से रुक जाती हैं, परंतु भीतर जो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है, उसमें अभी भी बीज के रूप में विद्यमान रहती हैं ये चित्त की वृत्तियां। ये संप्रज्ञात समाधि भी कर्म से स्थित होती है। चित्त की वृत्तियों का संबंध जो है, मैंने बताया कि सबसे पहले सहवितर्क और निर्वितर्क, यानी कि सहविकल्प निर्विकल्प, विचार विचार सहविचार निर्विचार, इस तरीके से जो है इन चारों के निरोध से, वितर्क विचार आनंद अस्मिता से, इन चारों के निरोध से, यानी कि इन चारों को हटाने से जो घटित जो है चार प्रकार की, इसको समाधि कहते हैं। बाहर से जो ज्ञान अनुभव होता है वो भीतर संग्रहित रहता है, और जब बाहरी विचार इस तरीके से हमारे पे असर डालते हैं, तो बाहरी विचारों से हम वशीभूत होते हैं, जिसमें हमने पहले भी डिस्कशन किया, तो वो वितर्क सहवितर्क समाधि है। और जब इनसे पीछा छूट जाता है, तो इनसे जो इनके साथ जो इनके बीज हैं, इनके संस्कार दबे हुए हैं, उनसे भी पीछा छूट जाता है, तो उसको निर्वितर्क समाधि कहते हैं या निर्विकल्प समाधि भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आगे हम सहविचार में जाते हैं।
सविचार से निर्विचार में जाते हैं और निर्विचार से हम जाते हैं आनंद के पास। आनंद को भी छोड़ना होता है और आनंद के बाद हम पहुंचते हैं अस्मिता, यानी कि मैं हूं, इस बात पे पहुंचते हैं। जब हम मैं हूं छोड़ते हैं तो अस्मितानुगत समाधि उसको बोलते हैं। जब आनंद को छोड़ते हैं तो आनंदानुगत समाधि हमको हम उसको बोलते हैं। इन चारों प्रकार की जो समाधियां, जब चारों प्रकार के जब प्रकार का जो होल्ड है मन पे हम नियंत्रण कर लेते हैं चार प्रकार से, तो इसको हम, मैंने पहले भी बताया, संप्रज्ञा समाधि बोलते हैं। इन चारों में प्रत्येक स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाने वाली है जो एफर्ट है वो होता किससे है? वशीकार वैराग्य से है। लेकिन इन चारों से भी परम वैराग्य प्राप्त नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे स्थिति ऊपर की ओर जाएगी तब हम परम वैराग्य की ओर हम बढ़ेंगे। परम वैराग्य हमारी जो लौकिक यात्रा है उसको समाप्त कर देता है और पूर्ण रूप से हम वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये संप्रज्ञा समाधि थी जो चार प्रकार की समाधियों के मेल से बनती है। और अगले सूत्र में हम असंप्रज्ञा समाधि के बारे में डिस्कशन करेंगे कि असंप्रज्ञा समाधि क्या होती है और वो किस तरीके से अचीव की जाती है। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, हमारे वर्क को जो अलग अलग सोशल मीडिया में आपके, और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए जो आपको मिल जाएगा इस हमारे डिस्क्रिप्शन में। हमसे जुड़िए ताकि हमारे और आपके बीच में तालमेल बनता रहे और नॉलेज का जो ये भंडार है जो हमारे ऋषियों ने हमारे लिए बनाया है वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। मेरा ये लक्ष्य है और आप उसमें भागीदारी बनिए। थैंक यू वेरी मच।